बहुत तकलीफ होता है। जब हम देखते हैं कि लोग हर इलाज के लिए, हर तकलीफ के लिए सिर्फ दर्द का गोली खा रहा है, असल में तो वो खुद को दिलासा दे रहा है, दिलासा। और मुझे ही लगता है कि तुम अपने आप को जाया कर रहे हो। हम खुद को जाया कर रहे हैं? तो इसमें हम जाया किधर कर रहा है? क्या पूरी जिंदगी इसी लेवल पे खेलना है फैसल? तरक्की नहीं करनी आपको? वो थोड़ा बहुत काम काज करता है और उसका बहन भी। उसका जो बहन है अभी मुंह क्यों बंद हो गया? आगे बोलो ना कि वो तुमको अच्छा लगता है। अरे अम्मा, वो डॉक्टर बन रहा है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? वो तो डॉक्टर बन रहा है, तुम क्या बन रहा है? लेकिन उसका जुनून बड़ा पक्का है। वो कहता है कि मैं जब भी मेडल जीतूंगा उसके साथ लियारी के क्लब का नाम आएगा। तो उसे समझाना था, इस तरह तुम्हारी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं आएगा। अगर हमारे क्लब से खेलोगे ना तो तुम्हारे पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारा ये यकीन हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको तेरा हौसला, तेरी मेहनत। मतलब दुनिया में इंसान को हौसला देने वाले लोग ही कम होते हैं। इंसान अकेला मेहनत कर करके थक जाता है। हमने तुमको यहाँ हौसला देने के लिए नहीं बुलाया, तो तुम अगले हफ्ते फिर लड़ेगा और इस बार उससे भी बड़े बॉक्सर के साथ। क्या? हमने कह दिया ना, अगले हफ्ते तुम फिर लड़ेगा। अरे क्या कोच, हम अभी एक बार का जिल्लत से बाहर नहीं आया हूँ, तुमने दोबारा मैच रख दिया। तुमको लगता है अब हम जीत जाऊंगा? अच्छा, हम एक फलाही इदारे से आए, हम ऐसे तमाम स्कूलों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस इलाके में बनाए गए हैं। अच्छा मोहतरमा, अगर इजाजत हो तो हम इन बच्चों को थोड़ा सा फंड दे दें। हमको तो नहीं मालूम बगैर पैसा का जिंदगी कैसे बदलता है। इतना पढ़ा लिखा है जो बोल रहा है तो सच ही होगा ना? अरे पढ़ा लिखा है तो नौकरी का कोशिश क्यों नहीं करता? वो बोलता है कि नौकरी के लिए बाहर की पढ़ाई मांगता है। अरे पूरा लियारी का जो बचा लोग है ना, वो हम लोग का औलाद की तरह है। उनको कोई तकलीफ होता है तो हमको तकलीफ महसूस होता है, और इस इलाके में कोई खुशी होता है तो हमको खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। अरे दर्द तुम सोच भी नहीं सकते, हम कितना खुश है। हमारे दोस्त है जिगरी, वो जीत गया है। अरे दिल में तुम लोग का हार का दुख तुमको ज्यादा लग रहा होगा है। नहीं, उसके जीतने से हमारा दुख कम हो गया, खुशी ज्यादा है। पता है कोच ने हमको क्या बोला है? उसने हमें बोला है कि हमारा अगला मैच जिससे बड़ा बॉक्सर से कराएंगा। तो क्या बोला तू? हमने कहा हम पहले हार गए हूं, अब फिर हार जाएंगे तो। अरे बार बार का हार सिर्फ तेरे लिए लिखा है, तो उसको बोल कि तू लड़ेगा। और देख, अगर तेरे को हार का गम होता है तो खेलना बंद कर दे, गली में कोई करियाने का दुकान खोल, तेरा माँ भी खुश हो जाएगा। अरे दादा आपको पता है हम ये नहीं कर सकता हूँ। देख बच्चा, अगर खिलाड़ी बनना है ना तेरे को, तो अपना दिल और दिमाग में ये बात बिठाओ कि तुमको जीतना है। अगर जीतेगा तो आगे लड़ेगा, और अगर हारेगा तो मेहनत करेगा। खिलाड़ी का खेल जो है वो गम नहीं होता है, जीत होना चाहिए। हाँ दादा, हम कोशिश करूंगा आपका बातों को समझने का। अब तो तुम्हारा माँ भी तुम लोग के लिए दुआ करेगा, अब वो भी राजी है तुम्हारा शौक के लिए। पता हमको क्या लगता था? हमको लगता था हमारे अम्मा हमारे लिए दुआ नहीं करता ना, इसलिए हम मैच हार जाते हैं। हमसे तुम्हारा ये उदासी नहीं देखा जाता है, हम तो हर वक्त दुआ करते हैं कि तुमको जो चाहिए वो तुमको दे। देखा अम्मा, तुमने दिल से दुआ किया है ना, अब हम हर मैच जीतूंगा। वैसे हम भी सोचते हैं कि हम क्या छोटा छोटा बातों के ऊपर दिल छोटा करके बैठ जाता हूँ, और छोटा छोटा खुशी में इतना खुश हो जाता हूँ। अरे छोटा छोटा कामयाबी इंसान को बड़ा कामयाबी देता है, समझा है? ये तो है दादा। तो उसको बोल कि तू लड़ेगा। हाँ अरे हम बोल दिया हूँ, हम पहले ही बोल दिया हूँ कि हम लड़ूंगा, लेकिन हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने जो हमको हौसला और हिम्मत दिया है ना, यही काफी है हमारे लिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंसान को एक ऐसा आदमी रखना चाहिए जिससे हर किस्म का बातें करे वो, इससे जिंदगी आसान हो जाता है
वरना आदमी अपने आप से ही लड़ता रहता है, कोई फायदा नहीं होता है। इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसके समझ में नहीं आता है। अरे अब हम क्या किया हूँ? चढ़ा चाय पियो, ठंडा होएगा, क्या फायदा। अरे ये वाला लोग किधर है, इनका कोई मड़बड़ तो नहीं क्या? अरे आज मैं जीता है ना, इसीलिए। अरे दूसरा तो हार गया है। ये वाला जीत गया है भाई। अरे सब फजूल आदमी है, और जो हमारा डॉक्टरनी का भाई है ना, बस वो अच्छा है, काम भी करता है और डॉक्टरनी को पढ़ा भी रहा है। अरे दादा, वो डॉक्टरनी ने कोई तुमको जवाब मवाब दिया कि नहीं? अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है, पहले कुछ देर हमको देखता रहा और फिर चला गया। सोच रहा होगा क्या जवाब देवे। अरे सुबह पूछेगा हम उससे कि क्या सोच है, बात तो हम उसको सारा बता दिया हूँ, बल्कि दिल का हाल बता दिया हूँ। अब उसका दिल का हाल भी पूछ ले भाई। अरे अम्मा को तो हमने इशारों इशारों में सब बता दिया, पर अम्मा बोलता है कि सब छोड़ो, कोई काम धंधा करो, फिर हम किसी से बात करेंगे। अरे अम्मा को समझाओ, उनको बोलो कि ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, दिल जिगरे वाला करता है, वैसे तुमसे पूरा मोहल्ला डरता है, जो एक दो घर का किराया आता है ना, फिर वो भी नहीं आएगा, कोई कब्जा कर लेगा। अरे वैसे तो हमसे सब डरता है, पर ये बात अम्मा को कौन समझावे, इसलिए हम सोचा हूँ कि हम डॉक्टरनी से खुद ही बात करेंगे। अरे दादा, वो डॉक्टरनी के भाई से यारी दोस्ती बढ़ाओ, आना जाना आसान हो जाएगा अपना। ठीक बोलता है तू, खाओ खाओ। कनक आया? हाँ हमने खा लिया। थोड़ा और खा लो। नहीं नहीं हम नहीं खा रहे, तुम खाओ। और जितना अच्छा खेला दिलावर, पूरा लियारी टीम को जिता दिया। वाह, तुम भी बड़ा खुश लग रहा है उसके जीतने से। हाँ तो हमारा दोस्त का खुशी है, हम सब मिलकर काब देखता था, अब कोई कामयाब होता तो हम सब खुश होता उसमें। लेकिन तुमको किसी गेम का शौक नहीं है? अरे शौक तो था, पर हमारा हालात हमको इजाजत कहाँ दिया शौक पूरा करने का। अब्बा के बाद कमाई कौन करता, तो हमने अपना शौक यही बना लिया। तुमको पढ़ाया, खुद पढ़ रहा है, कि इलाके के लिए कुछ करेगा। हमको लगता है ये उससे भी बड़ा शौक है। और हम खुश हैं, और बहुत खुश हैं। वैसे आपका ख्वाब भी ना पूरा होने वाला है, हम भी इसी साल MBBS कर लेगा और तुम्हारा भी मास्टर डिग्री आ जाएगा। अरे अभी तो शुरुआत है, असल मंजिल तो इलाके का किस्मत बदलना है, जब वो होगा ना फिर लगेगा कि जो हम चाहता था वो हो गया। वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम खाओ, आ जाओ। नहीं हमने नहीं खाना, तुम खाओ। आ बेटा आओ। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। रिदा बेटा, तुमने तो इसे नहीं पहचाना होगा, ये शाहिद है, शाहिद नौशीन का भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशीन कैसी है? अब तक तो वो डॉक्टर बन चुकी होगी। हाँ बस डॉक्टर ही समझा। चले अब आप इनको अंदर बिठाएं, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है, आओ बेटा आओ, चाय पीते अंदर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तकल्लुफ नहीं करो, आ जाओ बस, अपने घर है तुम्हारा। हम तुम्हें समझा रहे हैं, आज के बाद हमसे इस तरह की कोई बात नहीं करना, और ना इस तरह हमारे रास्ते में आना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। हम तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ेंगे, और ना ही किसी को हम दोनों का रास्ता में आने देंगे। फिर क्या सोचा है फैसल? वो मैडम, वो एक्चुअली मैडम, हमको ना बहुत शर्मिंदगी हो रहा था,
हमने बार बार सोचा कि हम आपको बता देवे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रहा था। बीवी के मरने के बाद अयाज को इस उम्र में किसी से मोहब्बत हो गई। अयाज चचा को? पर हमारा ख्याल है उनका तो एक बेटी भी है ना। कितना टाइम हो गया, अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आ रहा? अरे कैसा है डॉक्टरनी साहिबा? हम ठीक है नादर भाई, तुम सुनाओ। अरे हम तुमको कितनी बार बोलो, हमको भाई नहीं बोलो। क्यों, जो तुमको भाई बोलता है तुम उनका भी तो भाई नहीं है? अरे हम तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बाकी तो हमसे शादी नहीं करना चाहता ना। शादी? अरे तुमको अभी तक समझ में नहीं आया, अरे हम तुमसे प्यार करता हूँ। देखो नादिर भाई, हम तुम्हारा बहुत इज्जत और एहतराम करता है, हम तुम्हें समझा रहे हैं आज के बाद हमसे इस तरह की कोई बात नहीं करना और ना इस तरह हमारे रास्ते में आना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। हम तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ेंगे और ना ही किसी को हम दोनों का रास्ता में आने देंगे। माम को धमकी दे रहा? अरे हम नादिर भाई हूँ, हम जो धमकी देता हूँ ना वो हम करता हूँ। अरे पूरा लियारी में किसी को घर खाली करवाना हो या कब्जा करना हो ना, नादिर भाई के पास आता है। देखो नादिर भाई, हम कोई घर या प्लॉट नहीं हूँ, जीता जाता इंसान हूँ और हम अपनी मर्जी का मालिक है। और ये बात तुम जानता है कि हम पढ़ा लिखा है, हमारा भी भाई है। अगर हम पुलिस के पास चला गया ना और उसको तुम्हारी इन तमाम हरकतों के बारे में पता लग गया तो ये जो तुम्हारा तोबड़ा है ना, ये तुम पूरा लियारी में दिखाने के लायक नहीं बचेगा, ऐसा असर करेगा तुम्हारा। अरे कितना बोलता है रे तू, अरे बोलता है तो और भी अच्छा लगता है। देखो नादिर भाई, मेरे रास्ते से हटो, अब हमारा बस आ गया, हमको जाना है। अगर नहीं हटा तो हमको छुड़वाना आता है, हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटेगा, क्या करेंगे तुम? क्या हो रहा है भाई, तुम इंसान क्या कर रहे हो भाई? अरे हटो रे, अरे जाओ यहां से तुम लोग, अरे जाओ जाओ, अरे चल। अरे शायद बेटा अब मुलाकात हो गई तो ये शिकवे शिकायत तो चलती ही रहेंगी। हाँ सही कह रहा है। अच्छा ये बताओ कारोबार वगैरह कैसा चल रहा है? कारोबार तो अच्छा चल रहा है, बस बेटा अयाज ने परेशान किया हुआ आजकल, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। क्या परेशान चचा? कारोबार में तुम्हारे साथ तवज्जो वज्जो नहीं देता वो? वो सब तो ठीक चल रहा है बेटा, बस अब क्या बताऊं तुझे चचा। हम तुम्हारे हाथों में पल के जवान हुए हैं, हम तुम्हारा बच्चों जैसा है, तुम हमको सब बता सकता है, बताओ क्या हुआ? बेटा ये जो जज्बात है ना, इन्हें उम्र के साथ साथ ढलना चाहिए, वरना इंसान को चाहिए कि इनको ढालना सीख ले, नहीं तो बुढ़ापा बहुत खराब गुजरता है। बीवी के मरने के बाद अयाज को इस उम्र में किसी से मोहब्बत हो गई। अयाज चचा को? पर हमारा ख्याल है उनका तो एक बेटी भी है ना। हाँ बेटा उसकी एक जवान बेटी है, उसका भी उसे एहसास नहीं होता। पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है कि ना अपनी उम्र देखते हैं ना अपनी जवान औलाद का ख्याल करते हैं, खुद गर्ज हो गए सब। हाँ सही कह रहे चाचा, अब बड़ा लोग तो बच्चों को समझा सकता है ना, हम कैसे समझाए? अफसोस तो ये है कि वो समझना ही नहीं चाहते, बल्कि वो तो कहते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो जायज़ है और वो जो हम सब उन्हें रोक रहे हैं, हम सब उनकी खुशियों के दुश्मन। बताओ जरा आ जाएं, कम इन। अस्सलाम वालेकुम। ओह आइए आइए प्लीज, तशरीफ रखिए।
तो आप इतने बड़े बॉक्सर हो चुके हैं कि फोन नहीं उठाते? नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा लियाड़ी में ना कुछ लपड़ा चल रहा है, तो हम उसमें लगा हुआ था। अच्छा, तो फिर हल हो गया आपका वो लफड़ा? बस मैडम, हम इलाके का लोग हैं, हमको ज्यादा लड़ाई मड़ाई पसंद नहीं है। अच्छी बात है। वैसे कभी भी हमारी जरूरत महसूस हो तो बिना झिझक तुम बोल सकते हो। अच्छा पहले बताओ, तुम लोगे क्या, चाय कॉफी? बल्कि चाय ही मंगवा लेते हैं, कॉफी तो तुम नहीं पीते। कॉफी हम सिर्फ सर्दियों में पीते हैं, आपके लिए तो सारा मौसम एक जैसा ही है ना। तुम्हारे लिए भी हो सकता है, लेकिन तुम खुद नहीं चाहते, अब क्या करें। अरे अल्लाह ने चाहना तो जरूर हो जाएगा मैडम। अच्छा वो कैसे? हम सब कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लियारी का किस्मत बदलने की। और कौन कौन, कोई और भी है? अच्छा तुम्हारे इलाके के बॉक्सर्स होंगे राइट? अरे लड़का लोग तो बहुत है जो ये सब सोचता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम और हमारा दो दोस्त। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तुमने बताया था, I'm so sorry, मैं भूल गई। तो बाकी जो ये दोस्त हैं तुम्हारे, ये क्या करते हैं? हमारा एक दोस्त है वो फुटबॉलर है, और दूसरा दोस्त है वो अपना NGO बनाना चाहता है। उसका बहन डॉक्टरी कर रहा है, उसका लास्ट ईयर में। आप जैसे ही उसका डॉक्टरी कंप्लीट होगा फिर वो हमारे इलाके में अपने प्रैक्टिस करेगा। अच्छा वेरी इंप्रेसिव, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मैडम। फिर क्या सोचा है फैसल? वो मैडम, वो एक्चुअली मैडम हमको ना बहुत शर्मिंदगी हो रहा था, हमने बार बार सोचा कि हम आपको बता देवे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रहा था। फिर आखिर में हमने सोचा कि हम आपको खुदा के बता देगा। हाँ तो बताओ ना, इसीलिए बुलाया तुम्हें हमने। अरे मैडम हम तो इस वक्त भी बता देता, लेकिन आपका डैडी बोल रहा था ना कि लोगों से पूछ लो मशवरा कर लो, इसलिए हम नहीं बोला है, क्योंकि हमने किसी से जिक्र भी नहीं किया है। अरे तो करना चाहिए था ना फैसल, क्यों नहीं किया? तुम्हारे लिए इतनी बड़ी ऑफर है ये। देखो मेरी बात सुनो, कभी कभी इंसान को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, फिर वो अपने दोस्त अहबाब से शेयर करते हैं ताकि वो कोई अच्छा मशवरा दे सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा केस थोड़ा उलट है, अगर हम बताता ना तो उधर सबका दिल टूट जाता। दरअसल हम सभी एक दूसरे का हिम्मत है, ख्वाब दिखाते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ने का। अब अगर ख्वाब दिखाने वाले के ख्वाब और इरादे दोनों बदल जावे तो ताबीर कैसे मिलेगा? ताबीर अपने ख्वाबों की होती है फैसल, दूसरों के लिए अगर आप ख्वाब देख भी लें और वो सच भी हो जाए, आपके लिए तो वो ख्वाब ही रहते हैं ना, क्योंकि लोग तो नहीं मानते ना कि ये तरक्की किसी का ख्वाब थी, वो तो उस तरक्की को अपना हक समझ के बैठ जाते हैं। हम इतना नहीं सोचते हैं मैडम, बस हम जितना सोचते हैं ना थोड़ा बहुत, हमको लगता है हम वो हासिल कर लूंगा। हेलो जी बाबा, मैं लेके आ रही। जी जी लेके आ रही, आप वेट करें, मैं अपने बाबा के कमरे से आ रही। टंडे ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, उसने तो अपने घर वालों को या अपनी फैमिली में किसी को या अपने दोस्तों को किसी को बताना गवारा नहीं समझा। इससे हमें क्या फायदा है, हमारा कंसर्न तो वो लड़का है। तुझे तो वो बचपन से ही पसंद है, तू नौशीन के बहाने भी उससे बातें करने जाती थी। नहीं पगली,
उसे तो कुछ पता भी नहीं था, ना तब और ना अब। आप कभी हमारा मुकाबला देखने आओ ना हमारा क्लब में। हाँ देखो, तुम्हें जिस तरह से अपने क्लब से इतना प्यार है, उतना ही मुझे भी अपने क्लब से प्यार है, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए खेलो ताकि मैं रोज तुम्हें देखने आ सकूँ। चन्नी पता करो यार, फोन मोन करो, नादिर भाई किधर रह गया यार? पता नहीं, आने वाला होगा। अरे आ रहे होंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अरे भाई इतनी सुबह सुबह, सब खैर तो है ना? अबे तू भी सुबह सुबह बूता लेके आ गया अपना। अरे भाई कोई बात है तो हमको बताओ, हम तुम्हारे लिए जान भी दे देगा। अरे क्या करेगा, हम क्या करेगा तेरा फजूल जान का बताओ। आपको फायदा होए ना होए, लेकिन हम उसका नुकसान जरूर कर देंगे। हम उस डॉक्टर नहीं के पास गया था बस स्टॉप पर, बड़े बदतमीजी किया हमारे साथ। अरे क्या बात कर रहे हैं, बदतमीजी वो भी नादर भाई के साथ? अरे उसका जुबान खींच लेता ना तुम, ताने में हम तुम्हारी जगह खुद को पेश करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था इसलिए खामोश हो गया, देख लेगा उसको। लियारी में हमको मुंह छुपाने का धमकी देता है, पूरा लियारी में कुआर ना किया ना उसको, तो हमारा नाम भी नादिर भाई नहीं हूं। तुम बोलो तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। अरे चुप्पे, का शक्ल ही तो पसंद है हमको, तू उसका शक्ल में तेजाब फेंकेगा? हमने भी सोच लिया हूं, उसको जलील भी करेगा और कुवार भी करेगा, के पास वो सिर्फ हमारा पास ही आएगा, तुम लोग बस देखता जाओ। हुक्म करो। बाबा हाँ ये लीजिए। हाँ भाई गुड, अच्छी प्रोग्रेस है। इतने दिन से इस पे काम कर रही हूँ, ऑब्वियसली बाबा अच्छी तो होगी लग रहा है, दैट्स गुड। वो फैसला आया है, मान गए? नहीं आप ठीक कह रहे थे, ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं। उसने तो अपने घर वालों को या अपनी फैमिली में किसी को या अपने दोस्तों को किसी को बताना गवारा नहीं समझा। इनफैक्ट जब वो यहाँ पे था तो बहुत प्राउड फील कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं बताया। देखो अगर वो किसी से शेयर करे भी तो इससे हमें क्या फायदा है, हमारा कंसर्न तो वो लड़का है। बाबा मैं सोच रही थी कि शायद उसकी फैमिली उसके घर वाले उसे मशवरा दें कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अवेल कर लो, अगर हमारे क्लब के लिए खेलेगा तो उसी के लिए फायदा है। हाँ लेकिन अगर कुछ लोगों को समझ ना आए तो कौन समझा सकता है? मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन वो मुझे बहुत मासूम सादा सा बहुत शरीफ इंसान लगता है। और देखो हमें उसकी दोनों खुसूसियात से कोई गर्ज नहीं। क्यों भी है? हाँ भाई उसे फारग करो, ऐसे लोगों के साथ टाइम जाया करना सारा फजूल है। बाबा टाइम जाया कहाँ हो रहा है, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट है। देखो लॉस वाली इन्वेस्टमेंट ना हो इसका ख्याल रखना। जी बाबा। तूने देखा है उसे, कितना हैंडसम लग रहा था, मैं तो इतने टाइम बाद देख रही हूँ उसे। तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। लग नहीं रहा, वो है। फिर क्या लियारी शिफ्ट होने का इरादा है? तू नहीं समझेगी,
मैं सब समझती हूँ, तुझे तो वो बचपन से ही पसंद है, तू नौशीन के बहाने भी उससे बातें करने जाती थी। नहीं पगली, उसे तो कुछ पता भी नहीं था, ना तब और ना अब। लेकिन अब तो तू उसे बता सकती है कि तू उसे पसंद करती है। बाबा के सामने जाकर बता दूं? नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो, बाबा को ही जाके बता दो। बाबा को ना मैं तेरे लिए बताऊंगी और समझाऊंगी भी, फिक्र नहीं कर। अच्छा चलो बातें बंद करो, जाके कप लेकर आओ, चाय बन गई है। I'm so sorry. दरअसल मैंने आपको बताया था कि मेरे बाबा इस ऑफिस के बॉस भी हैं, मतलब मेरे बॉस भी हैं, और मैं अपनी ही कंपनी में मुलाजिम भी हूँ, और मेरे काम के मामले में बाबा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल नहीं सुनते किसी की। ये तो बहुत अच्छा बात है मैडम, दुनिया में हर काम का कोई ना कोई असूल होता है, और शख्सियत भी असूलों की मोहताज होती है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सिर्फ हाथ नहीं, ख्यालात भी अच्छे हैं। मैडम आप भी मजाक करते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन तुम्हारे इलाके का विजिट करूँ, लाइक सबसे मुलाकात करूँ, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारे फ्रेंड्स से। अरे क्यों नहीं मैडम, आप आए ना, उनको सबको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप आएंगे उधर से मिलने। हाँ हाँ, इंशाल्लाह कभी टाइम निकालो। आप कभी हमारा मुकाबला देखने आओ ना हमारा क्लब में। हाँ वैसे मैं यही तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे सारे मैचेस देखूँ। देखो तुम्हें जिस तरह से अपने क्लब से इतना प्यार है, उतना ही मुझे भी अपने क्लब से प्यार है, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए खेलो, ताकि मैं रोज तुम्हें देखने आ सकूं। और फिर सोचो, अगर हमारे कोच तुम्हें रोजाना ट्रेनिंग देंगे तो तुम सोचो कि तुम कहां खड़े हो गए। सोचने को भी दिल नहीं करता मैडम, गलती से भी सोचने को दिल नहीं करता। अरे मैडम हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सिर्फ हम ही क्यों, मतलब इस चेयर में ऐसा बहुत सा लड़का लोग होगा जो बॉक्सिंग खेलना चाहता होगा और अच्छा बॉक्सिंग खेलता होगा। क्योंकि फैसल इस वक्त तुम्हें कोई जानता नहीं है, और हम चाहते हैं कि तुम्हारी पहचान हमारे क्लब के थ्रू हो। देखो अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वीडियो हम तक इसलिए पहुंची है क्योंकि तुम बहुत फेमस हो, तो ऐसा नहीं है। अरे हमने अपनी कंपनी में लोग इसीलिए रखे हुए हैं जो तुम्हारे जैसे नए टैलेंटेड अच्छा खेलने वाले लोग हैं, उनको हमारे क्लब तक ले आए। उसी तरह हमारा एक बंदा तुम्हें हमारे तक ले आया। लेकिन एक बात याद रखना था, हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, लोग तुम्हें ढूंढ नहीं रहे, तुम्हारा ख्वाब ख्वाब रह जाएगा फैसला। चलता हूं मैडम। तुम्हें क्या बुरा लग गया है? जा कोई हमारा हौसला घटाए ना, मैं उधर नहीं बैठ सकता हूं। लापिस। वो कहता है हम खुश होऊंगा जब तुम किमाड़ी जाएगा, क्योंकि किमाड़ी से पैसा आता है। देख उन लोगों को जो चाहिए वो वही लेके खुश होगा, हर किसी का खुशी का दायरा अलग अलग होता है। अच्छा फैसल हमको घर तो छोड़ दो। घर छोड़े? कल तो तुम बोल रहे थे कि बोलने का कोई देख लेगा, फिर आज बोल रहे घर छोड़ो, क्या हो गया तुमको? अरे कल का बात और था आज का, और हमको ना हमको बहुत डर लग रहा है।
यार हमको बहुत मायूसी होता है जब अम्मा अब्बा ऐसी बातें करता है। हालांकि हम जानता है कि वो समझता नहीं है, पर फिर भी हमारा भी दिल है, हम भी इंसान हूँ। क्या बात कर रहा है, कल खुश नहीं हुआ वो? कहता है हम खुश नहीं हूँ, तुम जीतो या हारो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कहता है हम खुश होऊंगा जब तुम किमाड़ी जाएगा, क्योंकि किमाड़ी से पैसा आता है। देख उन लोग को जो चाहिए वो वही लेके खुश होगा, हर किसी का खुशी का दायरा अलग अलग होता है। वो लोग नहीं समझेगा इन बातों को, लेकिन तुम तो समझता है ना? हमने तुम्हें पहले ही बोला हम समझता हूँ इस चीज़ को, मगर फिर भी वो हमारा माँ बाप है, हम चाहता हूँ कि वो हमारी खुशी में खुश होए हमारे साथ। देख कोई कोई लोग ना अपना करीब में मिसाल ढूंढ रहा होता है, पर उनको कोई मिसाल ही नहीं मिलता। अगर तू कुछ बन जाएगा ना तो फिर तू कई लोगों के लिए मिसाल बनेगा। लेकिन मिसालें बहुत हैं। अरे हमने बोला ना लोग करीब का मिसाल ढूंढता है, अपने लियाली में कोई है ऐसा जो फुटबॉल से अपना नाम वाम बनाया हो? नहीं ना। एक बार तू बना लेगा ना तो फिर सब तेरा मिसाल दिया करेगा। बोल तो तुम ठीक रहे। अब तुम पैसल के दादा को ही देख लो, उसको फुल सपोर्ट करता है, मगर माँ सपोर्ट नहीं करता उसको। माँ बोलता है मुक्काबाजी छोड़ दे, पर दादा नहीं बोलता। दादा को लगता है वो कुछ बन जाएगा, पर माँ कोई बात ही नहीं समझ में आता। अब माँ से वो प्यार करता है, एहतराम करता है, तो माँ का भी बात सुनना पड़ेगा ना। किसी ने सच कहा है, अच्छा दोस्त खुदा का एक नेमत होता है, उससे बात करने से दिल हल्का हो जाता है। लोची ने, अरे इधर है। अरे इधर तुम देख ही नहीं रहे। इतनी देर से बुला रहे, तुमको कहाँ था तुम? अरे छोड़ो, हमको यकीन नहीं आ रहा कोई लड़की ने पहली बार हमको बुलाया बोल करके। हमने बुलाया था? अच्छा कहाँ जा रहे तुम? हम तो काम से जा रहे थे। अच्छा पेशल, हमको घर तो छोड़ दो। घर छोड़े? कल तो तुम बोल रहे थे कि बोलने का कोई देख लेगा फिर, आज बोल रहा घर छोड़ो, क्या हो गया तुमको? अरे कल का बात और था आज का, और हमको ना हमको बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्या हुआ, कह रही थे सब? हम घर चल के बताते ना, तुम हमको घर छोड़ दो, देखो प्लीज। अच्छा चलो बैठो, अब बैठो। अरे हमको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम चाहत भाई को क्या बताएं, बताए या ना बताए, इसलिए हम तुमको बता रहे हैं कि तुम हमको मशवरा दो कि हम नादिर को कैसे समझाएं। अगर शाहिद भाई को पता चल गया तो बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। अरे हमको उसको उसी दिन सबक सिखाने का था। लड़ना इस बात का हल नहीं है। अरे इस तरह बात और खराब होगा, वो तो फालतू लोग है यार, वो गली में बैठा रहता है, और हम शरीफ लोग है, हमारा रोज का आना जाना है वहाँ से। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम उसकी अम्मा से बात करता है। उसका अम्मा? हाँ उसकी अम्मा। उसकी अम्मा एक बहुत अच्छा औरत है, और उसका बहन तो हमारे दादा के साथ स्कूल में पढ़ाता भी है। हम उसकी अम्मा को बोलेगा कि नादिर को समझाओ, और फिर भी अगर नादिर नहीं मानता ना तो मुक्काबाजी होगा, मुक्काबाजी। को लगता है कि उस डॉक्टरनी का उस बॉक्सर के साथ कोई चक्कर मकर चल रहा है। वो तो हमको भी लग रहा है। वो होवेगा बदमाश कहीं का, लेकिन हमको भी अपना हक का बात करना और हक छीनना अच्छे से आता है। अरे गुस्सा नहीं करो, हम समझाएंगे, हम माफी तो मांग रहे हैं। तुम वो ही भोंकेगा जो तुम्हारा बोता भोंकता फिर रहा है हमारे खिलाफ। आप बोल रहे हैं, कैसा बात करते हैं, हम तेरे से बड़ा हूं।
अरे चाचा तू बड़ा है तो किसी छोटा को बेचना। समझा रहा हूँ तुमको, जो तुम्हारा मोहल्ले का दादागिरी है ना, एक दिन में खत्म कर दूंगा हम। हाँ, अगर तुम आइंदा नौशीन का रास्ता से गुजरा भी ना, तुम इस दुनिया से गुजर जाएगा क्या? अरे हमको धमकी दे रहे तू? धमकी तुमको हम? हाँ भाई, अखबार वालों को खबर ना भी मिले ना तो वो खबर बनाकर छाप देते हैं। पापा आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे कंपनी का इससे कोई अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा। देखो, हमें अच्छे इंप्रेशन के अखबार की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपसे हमको बहुत पसंद है। सच? हाँ, तो अभी भी क्या कोई शक है? दिल को तो यकीन आना चाहिए ना। आ जाएगा, उसको भी यकीन आ जाएगा। अरे तू क्या सोच रहे हैं? इसका मतलब दादा नादिर से वही बात कर रहा था और नादिर हंस रहा था। हंस रहा था? अब तुझे डर लग रहा होगा। डरता मरता नहीं है, पर अब तेरे को डरना चाहिए। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी, दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ कर ना खतरे को नाप लिया, रास्ता हमने नाप लिया, मंजिल हमने है ताड़ी, ल्यारी से किवाड़ी।